फुल ड्रेस रिहर्सल भी की जा रही है, जो कि जाहिर सी बात है देश की आन बान और शान। देखिए अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लाल किले की तस्वीर, जरा आप देखिए फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें हैं। और 15 अगस्त के दिन परेड निकाली जाएगी और किस तरीके से इसी लाल किले पर ध्वजा फहराया जाएगा। तो तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें, जो कि तैयारियां अपने अंतिम चरण में चल रही हैं। तो लाल किले के प्राचीर से हर बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण होता है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार ध्वजारोहण करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद से पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे जो 11वीं बार ध्वजारोहण करेंगे लाल किले के प्राचीर से। और उसके पहले 15 अगस्त के पहले जो तैयारियां की जाती हैं, एक से दो दिन पहले तक फुल ड्रेस रिहर्सल होता है और ये उसी दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे फुल ड्रेस रिहर्सल इस वक्त भी किया जा रहा है। हालांकि इस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि एक ओर जहां दिल्ली में लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कैसे जो प्रदर्शन निकलना है उस दिन, और साथ ही साथ जो प्रदर्शनी निकलनी है, माफ़ कीजिएगा, जो झांकियाँ निकलेंगी, जो परेड होगी, उसको लेकर के तैयारियां पहले से पुख्ता की जा रही है। फुल ड्रेस रिहर्सल भी इस बीच में किया जा रहा है और उसकी एक तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। इंतजार है 15 अगस्त का, जब देश एक बार फिर से गौरवान्वित महसूस करेगा 78 साल, 78वां ये आज़ादी का दिवस। और 15 अगस्त की तैयारियां जोर शोर से इस वक्त की जा रही हैं। 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से ध्वजा को फहराया जाएगा। फुल ड्रेस रिहर्सल, अंतिम दौर की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। तस्वीरें बेहद खास, देखिए मौसम भले ही खराब बना हो लेकिन तैयारियों में पीछे नहीं रहा जाएगा। देखिए भारी सुरक्षा व्यवस्था भी इस बीच मौजूद रहेगी और तस्वीरें इस वक्त बेहद खास हो जाती हैं। फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीर, तैयारी अपने अंतिम चरण में, 15 अगस्त के दिन का इंतजार।